ये हकायक मरने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं जब तक मैं जिंदा रहा। आज कम से कम पंजाबी बलोची चाहे बड़ी तादाद में ना सही, अगर दो भी मेरी बात, पांच भी मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं खुलूस दिल के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूं। माएं हों, बहनें हों, बेटियां हों, स्टूडेंट्स हों, लड़के हों, लड़कियां हों। तो अब आ जाइए 71, उस पे उसके बारे में तो नई नस्ल को मालूम है, लिहाजा मैं उसके बारे में जाता नहीं। अब आइए असल मौजू पर। अब मैं स्टूडेंट से सवाल करने जा रहा हूं। हर बीमारी का या यूं कह लीजिए हर बीमारी के पीछे उसका कोई ना कोई कॉज, कोई ना कोई वजह होती है, या बगैर वजह के, बगैर किसी कॉज के इंसान को बीमारी लाहक हो जाती है। क्या जवाब कह रहे हैं आप? बीमारी कैसे होती है, बीमारियां कैसे होती हैं? COVID-19 कैसे हुआ था? कोरोना कैसे हुआ था? आप लोग नहीं सुन रहे, बुरी लग रही है मेरी बातें, अभी तो मैं आ रहा हूं। कोरोना फ्लू, कौन सा फ्लू, किसका फ्लू, पीछे फ्लू के कौन था? चाइना नहीं था, अमेरिका नहीं था, ये तो कोई मुमालिक हो सकते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया हो, लेकिन वो उस चीज का नाम मालूम करना चाहता हूं कि जिसकी वजह से कोविड हो जाता है, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। नहीं मालूम आपको, उसे कहते हैं COVID-19 वायरस, कोरोना वायरस। आप समझते हैं वायरस क्या होता है? वायरस एक बहुत ऐसा जरसूमा होता है जो 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 आपकी ये जो खुर्दबीन है, जो लैब्स में इस्तेमाल होती है, उसमें भी नहीं नजर आता, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक दूरबीन होती है, हाई फाई, जहां वायरस नजर आता है। वायरस को आप उस तरह नहीं देख सकते जिस तरह बैक्टीरियास को देख सकते हैं। बैक्टीरिया एक अलग जरासीमों की शक्ल है, वायरस एक अलग है, फंगस एक अलग है, पैरासाइट्स एक अलग मर्ज है, पैरासाइट एक अलग चीज है। मिसाल के तौर पे आपने कभी सुना है कि फलां आदमी को टीबी हो गई? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, कभी नहीं सुना? लोग बोर हो रहे हैं मेरी बातों से, खत्म कर दूं मैं बातचीत? जी अच्छी नहीं लग रही बात है क्या? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस,
इसका इसकी इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबिकल बेसिलाई। आप एक बात बताइए, जब किसी को बुखार हो जाए, आप पैरासिटामोल दें, आप पेनाडॉल दें, एस्पिरिन दें, आप बुखार उतारने की कोई भी दवा दे दें और बुखार सही ना हो तो फिर क्या किया जाता है? फिर ब्लड लिया जाता है, यूरिन लिया जाता है, स्टूल लिया जाता है और लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है कि भाई ये बुखार उतर नहीं रहा। तो फिर लेबोरेटरी में जब वो पूरी एग्जामिनेशन करते हैं तो फिर उनको पता लगता है, ओहो ये तो नीमोकोकस बैक्टीरिया से हुआ है या नीमोकोक्साई नमूनिया हो गया इसको। फिर उसका इलाज उस तरह से किया जाता है। इसी तरीके से अभी मैं पहले कह चुका हूं, कोविड आप सबने किया होगा टेस्ट, जिसका पॉजिटिव आया तो उसको एहतियाती बता दी, या अस्पताल में दाखिल कर दिया या फिर अल्लाह के यहां चला गया वो। तो कोविड भी वायरस है, लेकिन क्योंकि कोविड एक नया वायरस है लिहाजा इसका टेस्ट पूरी दुनिया में नहीं हो सका, बशमूल अमेरिका। जब लाखों लोग मर गए तो उसके बाद कोविड के इंजेक्शन्स आए। अब पेचिश, दस्त, डायरिया, ये क्यों होता है मालूम है आपको? हर किसी के पीछे एक कॉज होता है। वो रात को खाना खा लिया था, शायद वो बासी खाना था, तो बासी खाने से आपको मर्ज नहीं हुआ है, बासी खाने में मौजूद बैक्टीरिया वायरसेस जो थे उसकी वजह से आपको इंडाइजेशन हो गई।